गरबे की मस्ती में सभी डूबे रहते हैं, सभी इस दौरान परफेक्ट दिखना भी पसंद करते हैं, इसलिए गरबे के दौरान परफेक्ट ज्वेलरी का भी होना उतना ही जरूरी है जितना आपके ड्रेसअप का होना जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं नवरात्र के 9 दिनों में कौन कौन सी ज्वेलरी का इस्तेमाल आपके लुक को और ज्यादा बढ़ा देगा। आप गरबे के लिए ज्वेलरी चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी गुजराती ड्रेस के साथ ट्रेडिशनल नेकलेस जरूर पहनें। ये लाल और सफेद स्टोन से बना नेकलेस आपकी ड्रेस के लुक को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाएगा। लंबे झुमकों का भी आप चुनाव कर सकती हैं। यदि आपका फेस गोल है तो यह आपके लिए परफेक्ट है, जो आपकी सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। आप कमर बंद को भी अपने लुक में शामिल कर सकती है, यह आपको गरबे के लिए परफेक्ट लुक देने में मदद करेगा। मांग टीका, इसके बिना आपका लुक फीका पड़ सकता है, इसलिए गरबे की ज्वेलरी में इसे आप नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। ओवरसाइज मांग टीका, स्मॉल पेंडेंट मांग टीका, झूमर, माथा पट्टी, अगर आप हैवी लुक चाहती है तो हैवी माथा पट्टी विथ मांग टीका भी ट्राई कर सकती है। आमतौर पर लड़कियां और महिलाएं हाथों में कांच या लाख की चूड़ियां या कड़े पहनना पसंद करती है, लेकिन गुजरात में अक्सर महिलाएं मेटल से बने ब्रेसलेट की तरह दिखने वाले बड़े कड़े या चूड़ियां पहनती है। ये देखने में खूबसूरत होने के साथ बार बार टूटने की आशंका से भी बचाते हैं। तो आप अपने लुक में कांच की जगह मेटल के ब्रेसलेट का चुनाव भी कर सकती है। गरबे की मस्ती में आप अपने पैरों को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? आप अपने पैरों की खूबसूरती को सुंदर सी पायल के साथ और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। पायल आपको हैवी, मीडियम और लाइट हर तरह के लुक में मिल सकती है, तो पायल को पहनना आप ना भूलें।